हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन ज्योग्राफी क्लास। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर टू। द चैप्टर नेम इज ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। है ना, इसमें उस पैराग्राफ में ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ेंगे। पहले क्या ग्लोब, ग्लोब क्या है? ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब पृथ्वी एक लघु प्रतिरूप है ना। और इसमें क्या बता रहे हैं, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देते हैं कि अर्थ सीधी होने की वजह हमें एक तरफ झुकी हुई नज़र आती है। जब आप देखेंगे कि ये किस प्रकार से झुकी हुई है तो आपको पता चलेंगे कि ग्लोब के स्टैंड पर एक कील है जो ग्लोब के भीतर से उसके आर पार हो रही है, उसकी वजह से ही ग्लोब घूम रहे। इसी कील को हम क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। इस एक्सिस पर हम ग्लोब को स्वतंत्र रूप से घुमा सकते हैं। इसी प्रकार हमारी पूरी पृथ्वी भी, अर्थ भी अपने एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इक्वेटर है ना, इक्वेटर क्या होते हैं, एन इमेजिनरी लाइन्स रनिंग ऑन द ग्लोब्स डिवाइड्स इन टू इक्वल पार्ट्स। दिस लाइन इज नॉन एज द इक्वेटर। द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नॉन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ इज नॉन एज द सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स है ना। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कल लाइन एंड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। ऑल parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes. Latitudes are measured in degree. इसमें क्या बता रहे हैं, इक्वेटर पृथ्वी की सरफेस पर नॉर्थ पोल एवं साउथ पोल से समान दूरी पर स्थित एक इमेजिनरी लाइन है। ये लाइन अपने अर्थ को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको ऊपरी भाग को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं और निचली भाग को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। लैटिट्यूड आर द लाइन दैट रन पैरेलल टू द इक्वेटर। लैटिट्यूड्स क्या, इमेजिनरी लाइन से ये इक्वेटर के पैरेलल होके निकलते हैं। दे हैव इक्वल डिस्टेंस एंड एवरी प्लेस। इसका डिस्टेंस इक्वल रहता है हर जगह में। द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर लेबल्ड इन डिग्री। इसको डिग्री में मेशर होता है, मेशर करता है। और द इक्वेटर इज पोजिशन एट 0 degree है ना। मतलब क्या बोलते हैं इसमें, इक्वेटर हमेशा 0 degree में मेशर्ड होता है। इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड है ना, इसमें इक्वेटर ये लैटिट्यूड में पैरल्स मेन इम्पॉर्टेंट पैरल्स है, वो कौन कौन से मैं बता रही हूँ। इक्वेटर 0 degree होता है, नॉर्थ पोल 90 degree में शो करता है एंड साउथ पोल भी 90 degree में शो होता है। और फिर देर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ द लैटिट्यूड। 4 इम्पॉर्टेंट पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड में है, वो कौन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 1/2 degree नॉर्थ इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 1/2 degree साउथ में इन द सदर्न हेमिस्फीयर में आपको दिखाई देंगे। और आर्कटिक सर्कल एट 66 1/2 degree नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में दिखाई देंगे। अंटार्कटिक सर्कल ऑफ 61/2 degree साउथ ऑफ द इक्वेटर में भी आपको दिखाई, ये सब ग्लोब लेके ग्लोब में आपको ये सब इमेजिनरी सबको अच्छी तरह दिखाई देते हैं। तो ग्लोब के ऊपरी भाग में आपको आप नॉर्थन पोल करते हो, 90 degree नॉर्थ शो करता है, और नीचे साउथ वाला भाग साउथ पोल करते हैं वो 90 degree साउथ
की तरफ शो करता है।